अहम खबर आपको दें। पैरागॉन सोसाइटी केस से मुतालिक कैसर अमीन बट को एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया है। मनाजिर आप टेलीविजन स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। पैरागॉन सोसाइटी का ये अहम केस है। इससे पहले भी एहतसाब अदालत में कैसर अमीन बट को पेश किया गया था। आज एक बार फिर से कैसर अमीन बट को एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया है। कुछ ही दिन पहले पैरागॉन सोसाइटी केस में कैसर अमीन बट को गिरफ्तार किया गया था। बात कर लेते हैं, मोहम्मद सकलैन जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। सकलैन, एहतसाब अदालत में इनको पेश कर दिया गया है, कोई गवाहान भी पेश किए गए हैं यहाँ पर? जी, एहतसाब अदालत के जज नजमुल हसन के रूबरू पैरागॉन सोसाइटी के डायरेक्टर कैसर नदीम भट्ट को अदालत के रूबरू पेश कर दिया गया है। नैब की तरफ से कैसर के 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा भी कर दी गई है। नैब तफ्तीशी की तरफ से अदालत को बताया गया कि इन्होंने गलत तौर पर सोसाइटी ये रजिस्टर्ड करवाई थी। इन्होंने बताया कि उनके पास 7000 कनाल अराजी है, हालांकि इनके पास 1000 कनाल से भी कम अराजी थी और इन्होंने गलत तौर पर गलत अदादोशुमार के साथ ये सोसाइटी रजिस्टर्ड करवाई। सोसाइटी भी गलत कागजात की मदद से अजीज भट्टी टाउन में रजिस्टर्ड करवाई गई थी। बाद में इसे एलडीए के रूबरू जो रजिस्टर्ड करवाया गया। इन्होंने धोखादही से सैकड़ों प्लाट्स फरोख्त किए थे। इसमें इनके साथ इनके नदीम जिया भी शामिल थे, जिन्होंने 2005 में ये हाउसिंग सोसाइटी पेश की और उसके बाद इन्होंने धोखादही से लोगों से करोड़ों रुपए वसूल किए थे। कैसर नदीम भट्ट को कुछ अर्सा कबल कैसर अमीन भट्ट को कुछ अर्सा कबल सिंध से गिरफ्तार किया गया था और जहां से गिरफ्तार करके इन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लाहौर लाया गया था। कैसर अमीन भट्ट पिछले 4 रोज से नैब की तहवील में थे। आज उन्हें फिर अदालत के रूबरू पेश करके उनके 15 रोजा जिसमें इस्तदा की गई है। जी शुक्रिया आपका, मोहम्मद सकलैन जावेद।